केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना के तहत वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए 8.15% की दर से ब्याज देने को मंजूरी दे दी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021 से 22 में ब्याज की दर 8.10% थी। ब्याज दर में इस वृद्धि से ईपीएफ के सदस्यों को प्रति 1,00,000 रुपए पर 50 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 28 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15% किया गया था, जिसे अब वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इस फैसले से ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को लाभ होगा। बता दें, मार्च 2022 में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.10% कर दिया था। ये इसका 4 दशक का सबसे निचला स्तर था। इससे पहले 1977 से 78 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8% था। आसान भाषा में यूं समझिए कि केंद्र के इस फैसले के बाद प्रति 1,00,000 रुपए की जमा पर सदस्यों को 8,150 रुपए का ब्याज मिलेगा। वित्त वर्ष 2021 से 22 में 1,00,000 की जमा पर सदस्यों को 8,100 रुपए का ब्याज मिलता है। मान लीजिए 31 मार्च 2023 को किसी सदस्य के खाते में 10,00,000 रुपए जमा थे तो उसे कुल 51,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। साथ ही सरकार ने ईपीएफओ के पोर्टल में ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान और सभी के समझने लायक बनाया गया है, ताकि योग्य आवेदक ईपीएफ के प्रावधानों के तहत आवेदन कर सके। इससे पहले 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को आदेश दिया था कि योग्य सदस्यों को वास्तविक मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह की सीमा से अधिक के अनुसार संयुक्त रूप से उच्च योगदान का विकल्प चुनने का मौका दिया जाए। इसके बाद ईपीएफओ ने अपने यूनिफाइड पोर्टल पर आवेदन की सुविधा दी थी। ऐसे सदस्य जो 1 सितंबर 2024 को ईपीएफ के ऐसे सदस्य थे और ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वे इसके लिए योग्य हैं।